हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षा एकेडमी। 8th क्लास की ज्योग्राफी का आज चैप्टर 4 है और इसमें टोटल 5 चैप्टर ही हैं, यानी कि कल आपकी जो ज्योग्राफी है 8th क्लास की एनसीईआरटी वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। एंड आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है, उसकी प्लेलिस्ट बनी है, ज्योग्राफी भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी लगभग। तो स्टार्ट करते हैं 4th चैप्टर, जिसका नाम है उद्योग। सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए एंड शेयर ज़रूर करिएगा सभी को। क्या आपने कभी ये विचार किया है कि लिखने की अभ्यास पुस्तिका को आप इस्तेमाल में लाते हैं, वह विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है, ठीक है। तो जो आपके पास पुस्तिका आती है, कागज़ आता है, तो वो कैसे आता है? आप सभी को पता है कि कागज़ जो है वो पेड़ों से बनता है, तो पेड़ों को काट कर छाँट कर फिर उसका जो प्रोसेस होता है कागज़ बनने तक का, तो वह जो सफ़र है, वो जो प्रक्रिया है, वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है। इसके जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है, उसे काटा जाता है, लुगदी मिल तक ले जाया जाता है, वहाँ वृक्षों की लकड़ी को संसाधित कर काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया जाता है, काष्ठ लुगदी को रासायनिक द्रव्य के साथ मिलाया जाता है और अंततः मशीनों के द्वारा कागज़ के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो आप ये देखिए कि क्या प्रोसेसिंग यहाँ पर कितनी लंबी चल रही है, कि किस तरह से कागज़ बनता है। ये कागज़ प्रेस में जाता है, जहाँ रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों में रेखाएँ छापने के लिए किया जाता है। इसके उपरांत पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांध कर व पैक करके बिक्री के लिए बाजार भेज दिया जाता है, अतः अंत में ये आपके हाथों में पहुंचती है। तो ये पूरी जो प्रोसेसिंग है, इन्होंने ये बताई कि किस कैसे पेड़ को काट कर और उसको एक जो अभ्यास पुस्तिका है वो बनाने तक कितनी लंबी प्रोसेसिंग है, क्या क्या कैसे करना होता है, वो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बताई। पहले जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था, उसमें आपने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कारक पढ़े थे, उसी का यहाँ पर कुछ है। द्वितीयक क्रियाकलाप या विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो कच्चा माल किस में आता है? हमने आपको बताया था कि प्राथमिक उद्योग जो है, प्राथमिक क्रियाकलाप जो है, उसमें आपका कच्चा माल आता है। फिर उसके बाद द्वितीय श्रेणी में आपके कच्चे माल से बने हुए उत्पाद आते हैं, ठीक है। ऐसा कि आपने देखा कि लुगदी कागज़ के रूप में और कागज़ अभ्यास पुस्तिका के रूप में, ये विनिर्माण प्रक्रिया के दो चरणों को प्रदर्शित करती है। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है। उद्योग का संबंध किससे है? आर्थिक गतिविधि से, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले का धरती से निकालने से संबंधित है तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है। तो कोयला खनन क्या है? आप कोयला जो होता है ज़मीन के अंदर होता है, फिर उसको निकाला जाता है, ठीक है। उद्योगों का वर्गीकरण देखते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार, स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है। कच्चा माल क्या है? कच्चे माल का उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। तो ये आपने देखा, यहाँ पर जो कच्चा माल है वो कितने प्रकार से हो सकता है। कृषि, अब यहाँ पर ये देखते हैं कि कृषि आधारित उद्योग जो होता है वो कैसा होता है। कृषि आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे खाद्य संसाधन हो गया, वनस्पति तेल है, सूती वस्त्र है, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं, ठीक है। तो कृषि आधारित उद्योग में आपका वनस्पति भी आ जाता है और जंतु भी आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जंतु आया तभी तो चर्म उद्योग के बारे में यहाँ पर बात की गई है। अब है खनिज आधारित उद्योग। प्राथमिक उद्योग है जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों के पोषण करते हैं। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है, ठीक है। तो लोहा किससे बनता है? अयस्क से बनता है। ये कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे भारी मशीनों, भवन निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बे बनाने में। समुद्र आधारित उद्योग सागरों व महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण इसके कुछ उदाहरण हैं। वन आधारित उद्योग क्या होता है? वनों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। लुगदी व कागज, औषधि रसायन, फर्नीचर तथा भवन निर्माण वनों से संबंधित उद्योग हैं, ओके। अब यहाँ देखिए आकार। उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। आकार के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा जा सकता है, लघु आकार के उद्योग और बृहत आकार के उद्योग, ठीक है। तो आपने देखा कि आकार के आधार पर कितने तरीके से बांटा गया है, दो तरह से, एक तो लघु आकार के उद्योग और दूसरा क्या है, बृहत आकार के। अब यहाँ पर देखते हैं ये क्या होते हैं, वो भी समझ लेते हैं। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के होते हैं, जिनमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। टोकरी बुनाई, मिट्टी के बर्तन और अन्य हस्तनिर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योगों के उदाहरण हैं। बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनकी तुलना में
छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी व प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। बड़े पैमाने के उद्योगों में पूंजी का निवेश अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है। रेशम बुनाई और खाद प्रक्रमण उद्योग लघु पैमाने के उद्योग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख लीजिए चित्र बना है मखाने के साथ मखाने के खाद प्रक्रमण की जो अवस्थाएं हैं वो यहाँ दर्शाई गई हैं। ठीक है, अब देखिए ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन जो है वो बड़े पैमाने के उद्योग कहलाते हैं। स्वामित्व समझते हैं क्या होता है। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों की निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व एवं सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व या संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। ठीक है, या आपने देखा होगा कुछ उद्योग ऐसे होते हैं ना कि जो आप अपने पर्सनल बिजनेस होता है जो अपने घर में ही खोल लेते हैं, या फिर अपने दोस्तों के साथ मिलकर पार्टनरशिप पर उन उद्योगों को खोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा क्या कि जो निजी उद्योग होते हैं वो एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है। ठीक है, सार्वजनिक, जहाँ पर भी शब्द सार्वजनिक आ जाए वो आप समझ लीजिएगा कि गवर्नमेंट से रिलेटेड है। ओके, तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के स्वामित्व और संचालन कौन करता है? सरकार द्वारा होता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ओके, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का जो स्वामित्व और संचालन है वो राज्य और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। ठीक है, एक संयुक्त रूप से जिसका जो संचालन है, स्वामित्व है, वो चल रहा है। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकर्ताओं, कामगारों या दोनों द्वारा होता है। ठीक है, सहकारी मतलब गांव से संबंधित। अब ये जो कच्चा माल है वो मोस्टली आपका कहाँ मिलेगा? गांव क्षेत्रों में ही मिलेगा भाई। कृषि से निर्मित जो चीज़ें हैं, जैसे आलू हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, पेड़ पौधे हो गए, लकड़ियाँ हो गई, ये आपके कहाँ होंगे? गांव जंगल में होंगे, वहाँ पर सहकारी क्षेत्र होता है। ठीक है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एवं सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण है। अब देखिए दूध आपको कहाँ से मिलेगा? गांव से ही मिलेगा, तो ये कहाँ के हो गए? सहकारी उपक्रम हो गए। अब ये सहकारी क्षेत्र में सुधा डेयरी का जो फॉर्म है, जो कंपनी है, वो यहाँ दिखाई गई है। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं, कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार हैं। ठीक है, देखिए लिमिटेड है, आदि नहीं लिखा, तो ये सारी ही चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब मान लीजिए आपने एक चिप्स की फैक्ट्री खोली, अगर आपको आलू ही नहीं मिल पा रहा है तो क्या आपकी वो फैक्ट्री चल पाएगी? नहीं ना। तो इसी तरह भूमि, जल, श्रम शक्ति यानी कि लोग भी आपके पास पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, और किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होती है पूंजी, परिवहन, ये भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और एक बाज़ार जहाँ पर आप अपने बनाए हुए माल को बेच सकें। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहाँ इनमें से कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत तथा अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किया जा सके। ओके, ये देखिए यहाँ इन्होंने जो एक फिगर के माध्यम से वही चीज़ें समझाई हैं। उद्योगों की अवस्थिति संबंधी कारक जो हैं, कच्चा माल, विद्युत, भूमि, परिवहन, बाजार, श्रम, पूंजी, बाजार और जल। ओके, यहाँ पे ये संचार था। कभी कभी सरकार कम दाम पर, देखिए पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित कर सके। औद्योगिकरण से प्रायः नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है। ठीक है, जहाँ पर भी औद्योगिकरण के कुछ कारखाने खुल जाते हैं वहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिलता है और वहाँ पर पर्यटन व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था भी सुचारू रूप से अच्छी तरीके से चलती है। ठीक है, औद्योगिक तंत्र क्या होता है? तो औद्योगिक तंत्र में निवेश प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं। निवेश में कच्चे माल, श्रम और पूंजी, भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल हैं। तो ये याद रखिएगा कि किस में क्या चीज़ शामिल है वो भी बताना बहुत ज़रूरी है। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। निर्गत अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय हैं। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। प्रक्रमों में ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई शामिल है। कमीज जिसे आप पहनते हैं वह उत्पादन है। ठीक है, तो इस तरह से आपने समझ लिया कि औद्योगिक जो तंत्र होता है वो क्या होता है। अब बात कर रहे हैं औद्योगिक प्रवेश की। तो औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे से निकट स्थित होते हैं और भी अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप, पूर्वी एशिया, मुख्य
औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पत्तनों के समीप, विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं। ठीक है, यानी इन्होंने ये बताया कि जो बहुत बड़े बड़े औद्योगिक प्रदेश होते हैं वो कहाँ स्थित होते हैं, वो आपने यहाँ पर जाना। ओके, अब ये देख लीजिए जो है औद्योगिक विश्व औद्योगिक प्रदेश का जो पूरा खाका है, जो चित्र है वो देख लीजिए। देखिए जो वाइट है, पिंक है जो विश्व की औद्योगिक पट्टी है, और जो ब्लैक में है वो औद्योगिक प्रदेश है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए औद्योगिक प्रदेश विश्व के औद्योगिक पट्टी के ही आसपास है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए डेनवर फोनिक्स जो दिया हुआ है उत्तरी अमेरिका में, उसके पास में जो औद्योगिक प्रदेश है ये एंग्लो अमेरिका विनिर्माण क्षेत्र हो गया आपका। ओके, तो यहाँ पर ये जो फिगर है आप समझ लीजिएगा एंड स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आपको पीडीएफ से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं जैसे कि मुंबई, पुणे समूह, बेंगलोर, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद, वडोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, तो इन नामों को एक बार दोबारा से अच्छे से पढ़ लीजिएगा या फिर नोट कर लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं औद्योगिक विपदा। भाई कुछ भी अगर अच्छा होता है तो उसके साथ साथ समस्याएं भी आती हैं, परेशानियां भी आती हैं। ठीक है, तो औद्योगिक विपदा क्या है? उद्योगों में दुर्घटना विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेतरतीब उपयोग के कारण घटित होती है। ठीक है, अब देखिए घरों में ही क्या होता है कि एसी लगी हुई है, एसी जहां आपको फ़ायदा दे रही है वो उतना ही नुकसान भी कर रही है ना, कहीं उनमें ब्लास्ट हो रहा है, जैसे अभी आपने देखा था न्यूज़ में आया है। ठीक है, कि नोएडा में एक जगह पर इसी ब्लास्ट हो गई जिसकी वजह से काफ़ी आग लगी, काफ़ी सारी पूरी बिल्डिंग में काफ़ी सारे जो घर थे वो इससे प्रभावित हुए। तो भोपाल में तीन दिसंबर 1984 को लगभग 00:30 बजे घटित अब तक की सबसे त्रासदीपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है। इस घटना को याद रखिएगा, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तारीख याद रखिए, भोपाल में कब हुई है? 3 दिसंबर 1984 कब हुई है ये घटना? भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को हुई है। ये क्यों हुई है वो देखते हैं। ये एक प्रौद्योगिकी दुर्घटना है थी जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने में हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? इसमें यूनियन कार्बाइड याद रखना है। ठीक है, यही यहाँ पर मेन है। 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। समझ लीजिए कितनी बड़ी दुर्घटना हुई थी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में। ओके, यहाँ पर कितने सारे लोगों की जो मृत्यु हुई है 35,598, ये आंकड़ा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी याद रखिएगा, जगह याद रखिएगा। हज़ारों लोग जो बच गए थे वो आज भी एक या अधिक बीमारियों जैसे अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृति, आंत्रशोथ विकृतियों आदि से पीड़ित हैं। 23 दिसंबर 2005 के चीन में गाओ कायो चोंगिंग में गैस कूप विस्फोट से 243 लोगों की मृत्यु हुई, 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे और इन स्थानों में 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया था। कई लोग विस्फोट के बाद ना भाग सकने के कारण मर गए, वे जो समय पर भाग गए उनकी आंखें, त्वचा और फेफड़े गैस से क्षतिग्रस्त हो गए। तो देखिए जो भोपाल में गैस कांड हुआ है यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में, तो उसमें क्या हुआ, आज भी वहाँ जब लोग जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं, तो उन बच्चों में भी उस घटना का असर दिखाई देता है। तो आप समझ सकते हैं कि वो घटना कितनी ज़्यादा बड़ी, वो त्रासदी जो है कितनी ज़्यादा बड़ी त्रासदी हुई होगी कि आज जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं उनमें भी उसका इफ़ेक्ट दिखाई दे रहा है। जोखिम कम करने के उपाय कैसे कर सकते हैं? घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से अलग बहुत दूर रखा जाना चाहिए। उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों की दुर्घटना होने की स्थिति जैसे विषैले या खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संभव प्रभावों का ज्ञान होना चाहिए कि अगर किसी कोई भी व्यक्ति औद्योगिक क्षेत्र के आसपास रह रहा है तो उसमें होने वाली जो परेशानियाँ हैं, जो त्रासदी है, उनसे किस तरह से निपटा जाए, किस तरह से बचा जाए, उसके बारे में भी लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए। आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए। उद्योगों के प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह बचा जा सकता है। अब हम देखते हैं प्रमुख उद्योगों का वितरण कैसे करते हैं। विश्व में प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हैं। ठीक है, तो ये तीन उद्योग इन्होंने बोला है कि विश्व में प्रमुख हैं।
लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने हैं उद्योग हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता उद्योग है। ठीक है, लोहे की आवश्यकता हर जगह होती है, कपड़े की भी आवश्यकता हर जगह होती है। वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित हैं जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस हैं। तो याद रखिएगा ये देशों के नाम, क्योंकि ये लिमिटेड ही हैं। कौन कौन से हैं दोबारा रिपीट करिए मेरे साथ ही, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस। ओके, अब बात करते हैं वस्त्र उद्योग की। तो उसके लिए भारत, हांगकॉन्ग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान में संक्रेडित हैं। ठीक है, तो फिर से बोलिए मेरे साथ, वस्त्र उद्योग कहाँ कहाँ है? भारत, हांगकॉन्ग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान। ओके, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में हैं और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में हैं। ओके, तो ये दोनों ही चीज़ें याद रखिएगा। अब यहाँ पर अलग अलग इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लोहा इस्पात उद्योग क्या है? अन्य उद्योगों की तरह लोहा इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं। ये एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उद्योग के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित हैं। लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। कच्चे माल को झोंका पट्टी में रखा जाता है जहाँ ये प्रगलित होता है। ठीक है, उभरते हुए उद्योग में सनराइज उद्योग के नाम से भी जानते हैं। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल हैं। इसको भी समझ लीजिएगा। अब प्रगलन की बात की कि लोहे को प्रगलित किया जाता है, तो कैसे किया जाता है? प्रगलन होता क्या है? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं के उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है। मतलब एक धातु को इतना पकाया जाता है कि उसका जो गलनांक बिंदु है वो उससे भी अधिक तपे। ओके, तो इसके बाद पारिशोधित होता है, प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इस्पात कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है। इसके तार बनाए जा सकते हैं, एल्यूमिनियम, निकल, तांबा। याद रखिएगा कौन कौन से धातुओं की बात हो रही है। एल्यूमिनियम, निकल, तांबा जैसी अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्र धातुएं बनाई जा सकती हैं। मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। ठीक है, ये झोंका पट्टी में लोहा अयस्क से इस्पात तक है। तो देखिए ये किस तरह से बन रहा है। लोहा अयस्क डाला जा रहा है, चूना पत्थर और कोक, और ये झोंका पट्टी है पूरी। ये यहाँ से गर्म वायु डाली जा रही है, ये धातुमल यानी कि जो बचा हुआ जो गंदगी है वो समझ सकते हैं आप, इसको यहाँ निकाली जा रही है। ठीक है, और कुछ ऊपर भी एक चित्र था वो देख सकते हैं। 8 टन कोयला, 4 टन अयस्क, 1 टन चूना पत्थर, जब हम इन सबको मिलाते हैं तो आपको 1 टन इस्पात प्राप्त होता है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर पूरी मात्रा आपको समझाई है, तो आप लोग भी अपना कारखाना खोल सकते हैं। तो यहाँ बात करते हैं इस्पात प्रायः औद्योगिक आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपभोग करते हैं वे या तो लोहा या इस्पात से बने हैं अथवा इन धातुओं में निर्मित औजारों और मशीनों से बने हैं। पोत, रेलगाड़ी, ट्रक और ऑटो अधिकांश इस्पात से बने हैं। ठीक है, आपको लोहे की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है, हर क्षेत्र में पड़ती है। तो वो इन्होंने बताया कि भाई कोई भी मशीनरी होगी वो बिना लोहे के, बिना इस्पात के पूरी नहीं होती है। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन और सुइयाँ जिनका उपयोग आप करते हैं वे भी इस्पात से ही बनी होती हैं। ओके, तेल कूप इस्पात से बनी मशीनों से वेधित किए जाते हैं। इस्पात की पाइपलाइन में तेल परिवहित किया जाता है। खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से होता है। कृषि के यंत्र प्रायः इस्पात के बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा इस्पात का बनाया जाता है। 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहां स्थित थे जहाँ कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध थे। बाद में उद्योगों के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप नहरों और रेलवे के निकट थी। रेलवे इसीलिए क्योंकि रेलवे का जो साधन है आप सभी जानते हैं कि एक सस्ता साधन है परिवहन का, और रेलवे के निकट होने से वो अपने सामान को एक शहर से दूसरे शहर, एक जगह से दूसरी जगह भी आसानी से लेकर जा सकते हैं। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पत्तन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होना शुरू हो गया। इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया था। लौह अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। भारत में लोहा इस्पात उद्योग, कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार। ये देखिए लोहा इस्पात उद्योग के परिवर्तनशील अवस्थिति, 1800 से पूर्व सर्वोत्तम स्थिति ये थी, फिर 1850 से 1950 तक की सर्वोत्तम स्थिति ये, फिर 1950 से अब तक की सर्वोत्तम जो अवस्थिति है वो इस तरह से। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखिए भारत में लोहा इस्पात उद्योग, कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुए हैं। सभी महत्वपूर्ण इस्पात
उत्पादक केंद्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बर्नरपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित हैं जो चार राज्यों में फैले हैं। वे चार राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में जो कोयला है, जो अयस्क है और लोहा है, ये चीज़ें बहुत प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। ओके, भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु और अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र हैं जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। ओके, तो आपने यहाँ पर देखा कि जो चार राज्य हैं वो खनिज के मामले में बहुत ही ज़्यादा धनी हैं। ओके, जमशेदपुर की बात करते हैं तो 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट में टिस्को कहते हैं। ये निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने ये कार्य अपने हाथ में लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साक्षी में सन 1907 में टिक्सो की शुरुआत की गई थी। बाद में साक्षी का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। तो याद रखिएगा, जमशेदपुर का नाम अगर पहले पूछें कौन सा था, तो उसका पहले नाम साक्षी था। 1907 में वहाँ पर टिस्को की शुरुआत की गई थी। साक्षी का नाम बदलकर जमशेदपुर किया गया था। ओके, पहले ये एक निजी स्वामित्व में था, बाद में ये सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। ओके, और ये नदियाँ भी याद रखिएगा, जमशेदपुर में लोहा इस्पात उद्योग की जो अवस्थिति है वो देख लीजिए। ये स्वर्णरेखा नदी देखी जा रही है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर ये टाटा इस्पात का जो कारखाना है वो है, और आसपास जो चीज़ें बनाई गई हैं, खरकई नदी यहाँ देख लीजिए वो बनी हुई है, स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, ये जो रेड रेड है ये मुख्य सड़क है, और ये जो लाइन आपको दिख रही है, जो ब्लैक ऐसे ऐसे लाइन दिख रही है, ये रेलवे लाइन है। ठीक है, पूरा क्षेत्र आप वो अच्छे से समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं, साक्षी को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। यह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर कालीमाटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। यह स्थान लौह अयस्क और कोयला और मैग्नीज विक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहां विशाल बाजार उपलब्ध था। ठीक है, तो पहले कारखाने इस तरह से खोले जाते थे कि वो परिवहन के माध्यम से एक शहर से दूसरे शहर में तो कनेक्ट हो ही, साथ ही वहां पर जो जिसका कारखाना खुला है उसका जो कच्चा माल है वो भी आसानी से उपलब्ध हो, और साथ ही बाज़ार भी उनको भरपूर मात्रा में मिले, जहाँ पर वो अपना जो बना हुआ माल है वो बेच सकें। ठीक है, तो इस तरह से ऐसी जगह को ढूंढ कर वहाँ पर कारखाने खोले जाते रहे हैं और आज भी खोले जाते हैं। टिस्को को झारिया कोयला क्षेत्रों में कोयला और उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क, चूनापत्थर, डोलामाइट और मैगजीन प्राप्त होता है। खरकई और स्वर्णरेखा नदियों में पर्याप्त जल की आपूर्ति होती है। सरकारी प्रोत्साहनों से इसे पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हुई। ठीक है, जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए, जिनमें रसायन, इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टिन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया जाता है। भारत में लोहा इस्पात उद्योग के विकास में त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर हैं। भारतीय लोहा इस्पात उद्योग में बृहत समाकलित इस्पात संयंत्रों के साथ साथ, बृहत माने बड़ा, साथ साथ लघु इस्पात मिल भी सम्मिलित हैं। इसमें द्वितीयक उत्पादक रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल हैं। ओके, तो ये आपने देखा जमशेदपुर का। अब बात करते हैं पिट्सबर्ग की। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पिट्सबर्ग क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पिट्सबर्ग में के इस्पात उद्योगों को स्थानीय सुविधाएँ उपलब्ध हैं। कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लौह अयस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होती है, जो पिट्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लैक्स जलमार्ग होता है। तो याद रखिएगा, इन्होंने यहाँ पर जलमार्ग के माध्यम से परिवहन किया है। ये अयस्क के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है, क्योंकि जो जलमार्ग होता है वो थोड़ा सस्ता बैठता है अदर के मुकाबले में। ग्रेट लैक्स में पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लोग अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। ओहिया, मोनोगोहेला, गहेला, एल्गनी नदियों से प्राप्त जल प्राप्त होता है। आज पिट्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल है। यह मिल पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला और एल्गनी नदी की घाटियों के साथ पिट्सबर्ग के नीचे ओहिया नदी के सहारे स्थित है। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा बाजार में भेजा जाता है। ठीक है, पिट्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने हैं। ये रेल पटरी उपकरण और भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। देखिए, पिट्सबर्ग वाला याद रखें या ना रखें, लेकिन जमशेदपुर वाला याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ग्रेट लैक्स के नाम सुपीरियर
हायरिन, ऑन्टोरिया, मिशिगन और इरी हैं। इन पांचों झीलों में से सुपीरियर झील सबसे बड़ी है तथा अन्य की तुलना में उच्च ऊर्ध्वाधर पर स्थित है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये भी याद रखिएगा। ओके, तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। इसकी एक्सरसाइजेस जैसा कि हम हमेशा कहते हैं आप लोग कर ज़रूर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। PDF आपको आज ही हम दे देंगे, आज नहीं कल देंगे, क्योंकि आपका जो लास्ट चैप्टर है वो कल हो जाएगा 3 बजे, एंड शाम को आपको सारी PDF क्लास 8 की ज्योग्राफी की मिल जाएंगी। ओके, बने रहिए ऐसे ही और यूज़फुल वीडियोज़ के साथ में। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।